अगर आपको एयर टिकट बुक करनी है तो आपका भी कुछ ऐसे हालात से सामना हुआ होगा। महंगी टिकट और यही नहीं, एक ही रूट पर टिकटों के दाम में भी भारी अंतर। चाहे भारत में एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या फिर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक। यहां तक कि इस मसले पर राजनीति भी हुई। बेतहाशा महंगी होती हवाई यात्रा को लेकर लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन क्या आम लोगों को राहत मिली? किराए में बढ़ोतरी हुई थी और इसके पीछे दो कारण थे। एक तो हमारा नागर विमानन क्षेत्र एक सीजनल सेक्टर क्षेत्र होता है, हमारी हाई सीजन होती है और लो सीजन होती है, तो एक तो हाई सीजन का इफेक्ट था। मैंने 5 जून को कंपनियों के साथ बैठक भी ली है और उसके बाद पिछले 10 दिनों में करीब 16% से 64% किराए घटे भी हैं। सरकार के मुताबिक अब राहत मिलेगी, लेकिन सवाल उठता है कि हालात ऐसे हुए ही क्यों? जानकार मान रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह है सप्लाई और डिमांड, यानी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। हवाई यात्रा की डिमांड बढ़ी है, सीटें उतनी है नहीं, क्योंकि एक तो एयरक्राफ्ट की कमी है और दूसरे स्टाफ की। जानकारों के मुताबिक कोविड के बाद एक तरह से रिवेंज टूरिज्म शुरू हो गया। भारत में भी अचानक यात्रा करने वालों की तादाद बढ़ गई। दरअसल कोविड के दौरान लोग लंबे वक्त तक यात्रा नहीं कर पाए थे और अब कई लोग पैसे बचाने की जगह उसे यात्रा में खर्च करना पसंद कर रहे हैं। और कई लोग तो ये भी मानने लगे हैं कि पैसे जमा करके या बचा कर रखने से ज्यादा जरूरी है घूमना फिरना। दूसरी तरफ गो एयर जैसी एयरलाइंस बंद हो गई, जिससे एयरक्राफ्ट्स की कमी हो गई और इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में अंतर आ गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि लोग बीमारी, इमरजेंसी के लिए भी यात्रा करते हैं। इसीलिए सरकार को हवाई यात्रा के दाम को लेकर एक नियम बनाना चाहिए, ताकि एक ही रूट के लिए एयरलाइंस अलग अलग दाम मनमाने तौर पर यात्रियों से ना वसूलें। ये ठीक नहीं है कि आप एयरलाइंस को अलाउ करें जो मर्जी चार्ज करें, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विसेज हैं। जैसे रेलवेज में आप फेयर फिक्स करते हैं, तो इस तरीके से आप इवन टैक्सीज का एयरपोर्ट से होटल आने का आपने फेयर फिक्स करा हुआ है ताकि पीपल डोंट फील चीटेड, पर एयरलाइंस का आप फिक्स नहीं कर रहे क्योंकि एयरलाइंस में पीपल आर फीलिंग चीटेड। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि एयर फेयर की हम कैपिंग करें। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में एयर टिकट महंगे हुए हैं। दरअसल लंबे वक्त से महामारी के असर की मार ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ी। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक एयरलाइंस को लगभग 200 बिलियन का नुकसान हुआ, लगभग 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई और अब कई एयरलाइंस स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच कुछ एयरलाइंस बंद भी हुए। माना जा रहा है कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में कुल 16,000 विमानों को ग्राउंड करना पड़ा। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो इंटरनेशनल एयरलाइंस को यात्रा करने के लिए लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़े, जिससे यात्रा और महंगी हुई। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि भारत के डोमेस्टिक रूट पर इसका असर ज्यादा नहीं है, इसीलिए भारत में हवाई टिकटों के दाम भी इतने नहीं बढ़ने चाहिए। हर एयर टिकट के ऊपर आप एक कार्बन सरचार्ज लगा लो, विच विल नॉट बी मोर देन 1% ऑफ द एयर फेयर, राइट? पर ये थोड़ी ना कि कार्बन करके आप एक एक्सक्यूज बना के 200% एयर फेयर बढ़ा दें, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसके अलावा चीन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां भी लंबे वक्त तक कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा रहा। एक सर्वे के मुताबिक इस साल 2023 में लगभग 30% लोग चीन से बाहर यात्रा नहीं करेंगे। इसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री के सामने एक चुनौती है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती। दुनिया भर में होने वाले कार्बन उत्सर्जन का 2% हिस्सा एयरलाइन इंडस्ट्री की वजह से है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक उन्हें साल 2050 तक $2 ट्रिलियन का भुगतान करना पड़ेगा कार्बन न्यूट्रल होने के लिए, जिससे आपका एयर टिकट और महंगा हो सकता है। तो जिस तरह से एयर टिकट महंगा हो रहा है, क्या हवाई जहाज का सफर आपकी जेब पर और भारी पड़ेगा? जितनी भी एयरलाइंस ने एरोप्लेन्स ऑर्डर करे हैं, जब तक ये ऑर्डर्स ये मार्केट में सफिशिएंट सप्लाई नहीं आती, जब तक कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उनको अपर एयरफेयर्स फिक्स करने पड़ेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि सरकार चाहे तो लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल तो सरकार का दावा है कि हालात काबू में है, टिकट के दाम भी काबू में है, लेकिन सवाल अभी भी हमारे सामने बना हुआ है, क्या लोग कम वक्त और कम पैसे में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे?